नमस्कार, मैं अश्वानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार में करीब 700 NBFC और निधि कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें से करीब 322 कंपनियों को लोगों से जमा लेने की अनुमति नहीं है। यानी यह कंपनियां गलत तरीके से लोगों से जमा ले रही है। इन कंपनियों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। दिल्ली में मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के दो पार्षद आप में शामिल हो गए हैं। मुस्तफाबाद से पार्षद सबीला बेगम और बिजपुरी से पार्षद नाजिया खातून ने शुक्रवार 9 दिसंबर को आप ज्वाइन कर ली है। आम आदमी पार्टी नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस के दो पार्षद आप में शामिल हो गए हैं। मेयर चुनाव के लिए आप और मजबूत हो चुकी है। भारतीय नौसेना में 10वीं-12वीं पास उम्मीदवारों के लिए 1500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अविवाहित महिला और पुरुष उम्मीदवार 17 दिसंबर 2022 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज विकी और कैटरीना की शादी की पहली सालगिरह है। ठीक एक साल पहले यानी 9 दिसंबर को दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे। फैंस और परिवार के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं इस क्यूट कपल ने भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को खास अंदाज में शादी की बधाई दी है। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर एक बार फिर श्रद्धा के पिता का दर्द सबके सामने छलका है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस से मुलाकात करने के बाद श्रद्धा के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर वसई पुलिस ने पहले कार्रवाई की होती तो उनकी बेटी जिंदा होती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आफताब को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और आफताब के परिवार को भी जांच के घेरे में लाया जाए। सरकार ने कुछ समय पहले ही रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को चालू किया था, जिसके तहत उपभोक्ता अपने घर पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ 31 मार्च 2026 तक उठाया जा सकता है। राष्ट्रीय पोर्टल के तहत सब्सिडी पूरे देश में 3 किलोवाट तक की क्षमता के लिए 14,588 रुपये प्रति किलोवाट तय की गई है। वहीं 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की क्षमता के लिए 20% है। बिहार में 10वीं बोर्ड की परीक्षा अगले साल फरवरी में आयोजित की जाएगी। इसी माह बोर्ड इंटर की परीक्षा भी आयोजित करेगी। आनंद किशोर ने कहा कि 1 से 11 फरवरी तक इंटर परीक्षा होगी, जबकि इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी के बीच ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक होगी। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं हैं, जो कुछ भी कानून बनाकर संस्थानों पर कब्जा कर ले। भाजपा देश की सभी संस्थाओं का सम्मान करती है। बता दें कि न्यायपालिका के साथ केंद्र के टकराव पर कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस ने भले ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत लिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की इस जीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 5 रैलियां की थी और भारी जनसभा को संबोधित किया था। वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश में हो रहे चुनावी प्रचार से दूरी बनाए रखी थी। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती ने वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित बजट अनुमान और 2023-24 के लिए बजट अनुमान पेश किया है। आयुक्त ने विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार के समक्ष बजट प्रस्तुत किया। आचार संहिता के बीच पेश हुए इस बजट पर सभी की निगाहें टिकी थी। आचार संहिता के कारण ही आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। नगर निकाय चुनाव में विभिन्न पदों के लिए 40 मुस्लिम दावेदारों ने भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए आवेदन किया है। इनमें से अधिकतर पसमांदा मुस्लिम समाज से हैं। इस जिले में पसमांदा मुस्लिम की काफी आबादी है और भाजपा इस समाज में अपनी घुसपैठ बनाने में कामयाब होती दिख रही है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल PASC IRB और अग्निरक्षक परीक्षा 2021 के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPSC ने पुलिस कांस्टेबल PASC IRB और अग्निरक्षक परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। शुक्रवार 9 दिसंबर को भारतीय रेलवे द्वारा 250 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम ने खराब मौसम और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण इन गाड़ियों को कैंसिल किया है। रद्द की गई गाड़ियों में 222 गाड़ियां पूरी तरह से निरस्त हैं, जबकि 33 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। रिवावा की जीत के बाद क्रिकेटर और उनके पति रविंद्र जडेजा ने एक ट्वीट किया, जिस पर लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रविंद्र जडेजा ने रिवावा को बधाई देने के साथ जामनगर की जनता का आभार व्यक्त किया है। जडेजा ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि हेलो MLA, आप इसके सच्चे हकदार हैं। बिहार के गुजरी उपचुनाव में हार मिलने के बाद अब महागठबंधन में बवाल मचा हुआ है। RJD नेता सह पूर्व विधायक अनिल सैनी ने CM नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इस हार के बाद अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है।
फिल्म मेकर के तौर पर रेवती एक बार फिर गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आई है। सलाम वेंकी युवा शतरंज खिलाड़ी कोला वेनु वेंकटेश की सच कहानी से प्रेरित है, जिसकी कहानी अभी भी लोगों के जहन में है। इसके बावजूद यह फिल्म आपको शुरुआत से अंत तक जोड़े रखती है। बिहार निकाय चुनाव पर अब कोई ग्रहण नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को लेकर बनाया गया पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े विवाद मामले की सुनवाई पूर्व में दी गई तिथि 20 जनवरी को ही करेगा। इसे लेकर अब कोई संशय नहीं है कि चुनाव तय तारीख में ही होंगे। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में आरोपी तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को एक बार फिर कोर्ट ने 14 दिनों की जेल हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि अनुब्रत मंडल को 11 अगस्त को पशु तस्करी मामले में गिरफ्तारी किया गया था। अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी को कोर्ट लगातार खारिज करती जा रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती तूफान मैंड्रूस के 9 दिसंबर को आधी रात को पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच से गुजरने की संभावना के मद्देनजर तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को यह जानकारी दी थी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र 6 दिसंबर को गहरे दबाव में तब्दील हो गया था। भारतीय रेलवे ने सोमनाथ रेलवे स्टेशन को नया और भव्य रूप देने का काम शुरू कर दिया है। ये रेलवे स्टेशन सोमनाथ मंदिर की थीम पर बनाया जाएगा। ऐसे में अब जो भी यात्री ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाएंगे उन्हें स्टेशन पर ही बाबा के दर्शन का एहसास मिलेगा। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रवैया अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम देश का कानून है, सभी को इसका पालन करना होगा। समाज के कुछ लोगों के विरोध के कारण इसे कानून नहीं मानना सही नहीं है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि संविधान पीठ के फैसले के बाद कॉलेजियम सिस्टम बना है और इसका पालन करना ही होगा। शादी विवाह का सीजन अभी पिक पर है, लेकिन 14 के बाद बैंड बाजा बारात पर एक महीने तक ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है। 16 दिसंबर की सुबह 10:11 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा। बांग्लादेश दौरे पर गई भारतीय टीम एक दिवसीय सीरीज का अपना 2 मैच पहले ही हार चुकी है। ऐसे में बांग्लादेश टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है। इन परिस्थितियों में अब उसका इरादा भारत का सूपड़ा साफ करने का होगा। झारखंड की राजधानी रांची को एक और इंटरनेशनल मैच की मेजबानी का मौका मिला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 जनवरी को JSCA स्टेडियम में T20 मुकाबला खेला जाएगा। न्यूजीलैंड जनवरी में भारत दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को एक ट्वीट से संबंधित एक मामले में जमानत दे दी है। यह ट्वीट उन्होंने मोरबी पुल दुर्घटना को लेकर पोस्ट किया था, लेकिन जमानत मिलते ही मोरबी में दर्ज आचार संहिता भंग करने के मामले में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। मोरबी पुलिस गोखले को मोरबी ले आई है। राज्यसभा में शुक्रवार को भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीना ने इसे पेश किया। बिल को पेश करने के पक्ष में 63 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 23 वोट डाले गए हैं। हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक फिर से चल गई है। अब शाम 6 बजे बैठक होने की बात कही जा रही है। इससे पहले हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक फिर से चल गई है। अब शाम 6 बजे बैठक होने की बात कही गई थी। इससे पहले 3 बजे विधायक दल की बैठक होने की बात थी। श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब पूनावाला इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और दिल्ली पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले को लव जिहाद से भी जोड़ा गया है। अब महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस मामले की जानकारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस ने दी है। गूगल इंडिया से 75 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रही याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्टे जुर्माना लगा दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि यूट्यूब पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के चलते उसका ध्यान भंग हुआ और वह परीक्षा में फेल हो गया। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद खराब याचिका है, इसके जरिए कोर्ट का समय बर्बाद किया गया। मिलनाजों में खराब मौसम का असर उड़ानों पर पड़ रहा है। खराब मौसम के कारण शुक्रवार 9 दिसंबर को चेन्नई हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चेन्नई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह जानकारी दी है। तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है, क्योंकि चक्रवाती तूफान मैंड्रूस आज आधी रात को चेन्नई तट के पास से गुजरने वाला है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, विजय राम, नुनू कुमार गोलू, के सिन्हा, प्रवीण कृष्णा और जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप केंद्र सरकार की सोलर लाइट योजना का लाभ उठा पा रहे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।